भारत की राजधानी दिल्ली इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनी हुई है। वजह है G20 समिट की मेजबानी। जी हाँ, 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में G20 समिट का आयोजन होने जा रहा है और इस आयोजन को लेकर लगातार पिछले काफी दिनों से तैयारियां चल रही थी। आपने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ब्यूटिफिकेशन का काम देखा होगा, सौंदर्यकरण का काम देखा होगा, अलग अलग इलाकों में पौधे लगाए जा रहे हैं, सफाई का खास ख्याल रखा जा रहा है और इन सभी तैयारियों को लेकर कॉन्ट्रोवर्सी भी छिड़ी हुई है। कॉन्ट्रोवर्सी इस बात को लेकर है कि आखिर दिल्ली को जो सुंदर बनाया जा रहा है इसका क्रेडिट किसे दिया जाए। एक तरफ है दिल्ली सरकार और दूसरी तरफ है उपराज्यपाल। जी हाँ, एक बार फिर से उपराज्यपाल बनाम दिल्ली सरकार नजर आ रहा है और मुद्दा है G20 समिट की तैयारियों का क्रेडिट का श्रेय किसे दिया जाए। अब पिछले कई दिनों से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है और उनके मंत्रियों का ये कहना है कि काम तो सब दिल्ली सरकार कर रही है लेकिन उपराज्यपाल अलग अलग जगहों पर जाकर घूम घूम कर क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस बीच उपराज्यपाल का एक स्टेटमेंट आया है और उस स्टेटमेंट में उपराज्यपाल ये कह रहे हैं कि जो काम दिल्ली के अंदर 2 महीने के अंदर हो सकता है, जिस तरीके से 2 महीने के अंदर दिल्ली साफ सुथरी और सुंदर नजर आ सकती है, तो फिर ये काम पिछले 9 साल में क्यों नहीं हुआ। अगर 1 साल भी दिल्ली पर फोकस किया जाता तो दिल्ली में G20 समिट को लेकर इतनी ज्यादा तैयारियां करने की जरूरत आज नहीं पड़ती। उपराज्यपाल का बयान सुनिए। मैं जरूर रोड पे था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मुझे कहने में जरा सा भी संकोच नहीं है कि हर डिपार्टमेंट ने अपना 100% दिया है। और जहां तक जो है कंट्रोवर्सी का सवाल है तो मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता हूं। मैं इतना जरूर कहूंगा कि एक बात प्रूव हो गई कि दिल्ली को अगर 2 महीने के अंदर उसका रूप बदला जा सकता है तो 9 साल का एक पीरियड बहुत बड़ा पीरियड है। अगर 1 साल का भी पीरियड दिल्ली पर फोकस कर दिया होता गवर्नमेंट ने तो दिल्ली की हालत कभी नहीं होती और इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी पिछले एक हफ्ते से मैंने कुछ मिनिस्टर्स को रोड का इंस्पेक्शन करते हुए देखा है, लेकिन पिछले 1 साल से तो मैंने कभी किसी को नहीं देखा। ठीक है, तो उपराज्यपाल ने अपने बयान में ये साफ कहा है कि सबने मिलकर काम किया है, लेकिन साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली में 9 साल में अगर ध्यान दिया गया होता सरकार के द्वारा तो फिर इतनी मेहनत G20 समिट के लिए करने की जरूरत नहीं पड़ती। और उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि आजकल जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं वो सड़कों पर इंस्पेक्शन करते हुए नजर तो आ रहे हैं लेकिन पहले नजर नहीं आ रहे थे। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल के इसी बयान पर पलटवार करते हुए जवाब दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा, अगर भाजपा के अधीन MCD ने 15 वर्षों तक काम किया होता तो कम प्रयासों की आवश्यकता होती। दिल्ली को साफ करना MCD का कर्तव्य है। MCD संभालने के बाद से हम सभी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। MCD कर्मचारियों को 13 साल बाद अब समय पर वेतन मिलना शुरू हो गया है। वो सभी प्रेरित हैं, वो कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आइए उनके प्रयासों को कम ना आके ऐसे समय में जब हम सभी अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं तब दोषारोपण का खेल ना खेलें और सभी को एक टीम के रूप में काम करने दें। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल के बयान पर पलटवार करते हुए ये कहा है कि पिछले 15 साल से तो MCD में सरकार भाजपा की थी, ऐसे में भाजपा की जिम्मेदारी बनती थी लेकिन भाजपा ने काम नहीं किया। अब क्योंकि MCD में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई है, पिछले 13 साल बाद MCD के कर्मचारियों को अब समय पर वेतन मिलना शुरू हुआ है और वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो ऐसे समय में जब हम मेजबानी करने के लिए तैयार हैं, G20 समिट की मेहमानों का स्वागत करने की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे वक्त पर ब्लेम गेम नहीं खेलना चाहिए, दोषारोपण नहीं करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल के अलावा सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी उपराज्यपाल के बयान पर अपना जवाब दिया है और उन्होंने भी MCD का जिक्र करते हुए ये कहा है कि पिछले 15 सालों से MCD में BJP की सरकार थी, तो उपराज्यपाल जी को ये पता होना चाहिए कि MCD का जो काम है वो दिल्ली के अंदर साफ सफाई करने का काम है और
क्योंकि बीजेपी की सरकार एमसीडी में थी तो इसलिए दिल्ली की हालत ऐसी हुई, लेकिन अब सरकार बदल गई है। सुन लीजिए क्या कहा है सौरभ भारद्वाज ने। ये पिछले 15 सालों से दिल्ली की साफ सफाई का काम एमसीडी के पास था। एलजी साहब दिल्ली के नहीं है इसलिए उनको नहीं मालूम, 15 साल से भारतीय जनता पार्टी के पास था। एनडीएमसी और दिल्ली कैंट भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के पास है पिछले 9 सालों से। G20 जैसे बड़े उत्सव में जिसमें दिल्ली सरकार के सभी विभागों ने, एमसीडी ने, इनके अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने दिन रात मेहनत की, उनके काम के क्रेडिट को चुराने की कोशिश एलजी साहब कर रहे हैं, ये बहुत छोटी हरकत है। एलजी जैसे बड़े पद पे उनको इस चीजों से बचना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा कहा कि सबको मिल के साथ काम करना चाहिए, सबको मिल के दिल्ली के शौर्य को आगे बढ़ाना चाहिए, हिंदुस्तान का नाम आगे बढ़ाना चाहिए। जिस तरीके से एलजी साहब बचकानी चीजें कर रहे हैं, तड़प रहे हैं कि कोई मुझे क्रेडिट दे दे, ऐसा एलजी के पद को शोभा नहीं देता। तो G20 समिट की तैयारियों पर किसको क्रेडिट दिया जाए, इसको लेकर लगातार बयानबाजी का दौर चरम पर है। लेकिन अब 8, 9 और 10 तारीख को दिल्ली में कई जगह पर प्रतिबंध रहेंगे, क्योंकि 9 और 10 सितंबर को दिल्ली के अंदर G20 समिट का आयोजन होने जा रहा है। इसलिए दिल्ली में G20 समिट से जुड़ी जानकारियां और कहां कहां क्या क्या प्रतिबंध रहेगा, ये सब जानने के लिए आप दिल्ली तक देखते रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।